हम सभी को पता है कि प्रिंटर ड्राइवर को ड्राइवर सीडी से ही इंस्टॉल किए जाते हैं, लेकिन अगर किसी पीसी या फिर लैपटॉप में डीवीडी या फिर सीडी राइटर नहीं है, जैसे कि आजकल पीसी पर राइटर लगाना नहीं होता है, इन दिस सिचुएशन आप कैसे उस प्रिंटर ड्राइवर सीडी से अपनी पीसी या फिर लैपटॉप पर प्रिंटर ड्राइवर को इंस्टॉल करोगे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल संजीव। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर द ट्रिक थ्रू विच यू कैन इजीली इंस्टॉल योर प्रिंटर ड्राइवर फ्रॉम अ पेन ड्राइव। सो स्टिक विथ मी, आई विल शो यू हाउ। तो चलिए मेन वीडियो की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑन यूट्यूब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल नेवर टू मिस एन अपडेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले आपको अपना सीडी या फिर डीवीडी राइटर को ओपन कर लेना है और उसके अंदर एप्सन का ड्राइवर सीडी को इंसर्ट कर देना है। इसके बाद आपको पीसी के स्क्रीन पर चले आना है और दिस पीसी या फिर फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आपको डीवीडी या फिर सीडी ड्राइव पर एप्सन का ड्राइवर दिखाई देगा, जिससे आपको राइट क्लिक और ओपन पर क्लिक करके ओपन कर लेना है। ये देखिए ड्राइवर सीडी ओपन हो चुके हैं। अब इस फाइल्स को अपनी डेस्कटॉप पर कॉपी कर लेना है। प्रेस कंट्रोल ए टू सिलेक्ट ऑल द फाइल्स, देन राइट क्लिक एंड सिलेक्ट कॉपी टू कॉपी दिस फाइल्स। नाउ मिनिमाइज इट एंड क्रिएट अ फोल्डर ऑन योर डेस्कटॉप फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेनू। You can enter a name like Epson Driver. Now open the folder and paste those files of Epson Driver CD copied earlier. Look, files कॉपी हो चुके हैं। अब चलिए इस फोल्डर को ओपन करके इस फाइल्स को एक बार देख लेते हैं। ये देखिए सब के सब फाइल्स इस डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर कॉपी हो चुके हैं। अब आपको इस फोल्डर को पेन ड्राइव पर मूव या फिर कॉपी करके ले जाना है। तो चलिए अब ड्राइवर सीडी को डीवीडी राइटर से निकल लेते हैं, क्योंकि इसका अभी कोई काम नहीं है। इसके सारे फाइल्स कॉपी होके डेस्कटॉप फोल्डर पर सेव हो चुके हैं। नाउ लेट्स इंसर्ट द पेन ड्राइव इनटू द पीसीज यूएसबी पोर्ट। इंसर्ट करते ही ये देखिए पेन ड्राइव ओपन हो चुके हैं। अब आपको डेस्कटॉप फोल्डर पर पहले से कॉपी करके रखा एप्सन ड्राइवर फाइल्स को चाहे कॉपी या फिर मूव करके इस पेन ड्राइव पर पेस्ट कर देना है। ये देखिए पेन ड्राइव पर एप्सन ड्राइवर का हर एक फाइल्स आ चुके हैं। तो चलिए अब इस पेन ड्राइव को रिमूव कर लेते हैं। अब आपको जिस लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पर इस एप्सन प्रिंटर ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, उसमें पहले प्रिंटर केबल को इंसर्ट करके प्रिंटर के साथ पीसी या फिर लैपटॉप को कनेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं इस लैपटॉप से कनेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आपको उसी पेन ड्राइव को इंसर्ट करना है जिसमें ड्राइवर को पहले से कॉपी करके रखा था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लैपटॉप स्क्रीन। पेन ड्राइव ओपन होते ही आपको उस एप्सन ड्राइवर फोल्डर को दिखाई देगा, जिसे आपको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करते ही हर एक फाइल्स सामने आ जाएगा, जिनमें से आपको इस एप्लीकेशन फाइल के ऊपर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर को चुन लेना है टू इंस्टॉल द प्रिंटर ड्राइवर। चुनते ही इंस्टॉलेशन का पॉपअप विंडो खुल जाएगा, जहां पर आपको आई एग्री चेकबॉक्स को टिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आपको यहाँ स्किप कर देना है। ये देखिए प्रिंटर ड्राइवर इज इंस्टॉलिंग राइट। Now, click on next, 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 next once more. Now, click on print test page.
क्लिक करते ही एप्सन प्रिंटर का प्रिंट पॉपअप डायलॉग बॉक्स ओपन हो गए हैं और एप्सन प्रिंटर से टेस्ट प्रिंट निकल गए हैं। ये देखिए टेस्ट प्रिंट। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन एग्जिट, क्लिक ऑन यस इफ यू डोंट वांट टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर्स, एंड क्लिक ऑन फिनिश टू कंप्लीट द इंस्टॉलेशन ऑफ द एप्सन प्रिंटर ड्राइवर। तो ऐसा करके आप भी किसी भी एप्सन प्रिंटर का ड्राइवर को पेन ड्राइव से इंस्टॉल कर पाओगे। वीडियो अगर हेल्पफुल रहा तो एक लाइक और शेयर कर देना, एंड हो सके तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि हर नया वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलता है एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।